दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है 2050 तक बांग्लादेश का 17% हिस्सा डूब सकता है। हाल ही में मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र संपन्न हुआ, जिसमें साल 2050 तक बांग्लादेश के लगभग 17% हिस्से के जलमग्न होने के कयास लगाए गए हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश में समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण 2050 तक 20 मिलियन लोगों को अपने घरों से वंचित होने का अनुमान है। वहीं इस वजह से दुनिया भर में कम से कम 1.2 अरब लोग विस्थापित हो सकते हैं। WEF के अनुसार 2019 में आई आपदाओं के कारण बांग्लादेश में 4 मिलियन से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। इसके अलावा इस समस्या का सामना अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को भी करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें उच्च ज्वार के कारण घातक परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जो इन देशों में 2050 तक 48 मिलियन लोगों को प्रभावित करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के बढ़ते स्तर से दुनिया में बहुत से स्थान खतरे में हैं, लेकिन बांग्लादेश सूची में सबसे ऊपर है। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल।